hello everyone and welcome for another lecture the topic for today's lecture is international armed conflict in my previous videos i have started the series of international humanitarian law and in that i have already discussed the meaning definition evolution and growth of ihl i have also discussed about the hague conventions and the geneva conventions in today's video i will be dealing with the international armed conflict again international armed conflict is also very very important topic of the ihl so moving to my first slide i have tried to discuss the meaning of international armed conflict इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन एज सच आईएचएल में नहीं दिया गया है नो द डेफिनेशन ऑफ आई एच एल इज बी गिवन इन एनी ऑफ द कन्वेंशन और द प्रोटोकॉल्स ऑफ आई एच एल ऑल दो इसके बारे में डिस्कशन है और डिस्कशन कहाँ हमें मिलता है आर्टिकल टू ऑफ जिनेवा कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन चार आए थे और चारों के चारों में आर्टिकल टू इज अ कॉमन और आर्टिकल टू क्या डिस्कस करता है इट डिस्कस अबाउट दैट वेर एवर देर इज इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट द प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू द सिक सिक्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड टू द सिविलियंस ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिनेवा कन्वेंशन किसे किसे प्रोटेक्शन देता है तो फर्दर आर्टिकल टू यही बता रहा है कि जहां भी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे वुंडेड सिख को शिव्रिक्ड पर्सन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एंड इनोसेंट सिविलियंस को फर्दर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कशन हमें प्रोटोकॉल वन जो कि जेनेवा कन्वेंशन का ही प्रोटोकॉल वन जो 1977 में आया था वो ये फर्दर बताता है कि जहाँ भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द कलोनियल डोमिनेशन होगा उसे भी हम इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कैटेगरी में लाएंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आर्म कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हुआ था क्यों क्योंकि ब्रिटेन वालों का यहां पे कॉलोनी थी तो इस कॉलोनी के अगेंस्ट जो हमने रिवोल्यूशन किया उसको भी हम टर्म दे सकते हैं इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ओके नाउ मूविंग फर्दर आई विल बी डीलिंग विथ सर्टन एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल about the yugoslavia wars. so you can see on the slide, on the right side of the slide, you can see it is the map of europe. europe, kikis region, hum discuss karenge it is mentioned on the left side of the slide. left side, you can see it is a map of slovenia, croatia, bosnia-herzegovina, serbia, montenegro, and मेसिडोनिया अपार्ट फ्राम दीज कंट्रीज वी हैव सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो ओके आई हैव डिस्कस दिस मैनी टाइम्स सेवरल टाइम्स आई हैव डिस्कस दैट हम कंट्रीज को पोलिटिकल टर्म में क्या कहते हैं स्टेट्स ठीक है तो वर्ल्ड वॉर वन इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन अम्पायर ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन अम्पायर की हार होती है इस वजह से वो काफ़ी वीक होने लगता है ऑल उसकी उसका साम्राज्य बहुत फैला था लेकिन वो विद टाइम वीक होने लगता है और ये सब जो जितने स्टेट्स हैं ये सब धीरे धीरे ऑटोमन अम्पायर से अलग होने लगते हैं अर्लियर बल्गेरिया यू कैन सी ही बल्गेरिया भी है मैंशन मैप में ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब के सब ऑटोमन अम्पायर के ही पार्ट थे तो ये सब जब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे ऑटोमन अम्पायर से अलग होने लगे तो स्लोवेनिया क्रोशिया हर्जी गोविना सर्बिया मॉन्टीनिग्रो मेसिडोनिया इन सब ने मिलकर क्या बनाया इन सब ने मिलकर एस एफ आर यूगोस्लाविया यानी सोशलिस्ट रिपब्लिक फेडरल ऑफ यूगोस्लाविया बनाया ठीक है यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू उस रीजन में जितने स्टेट्स थे उस रीजन के स्टेट्स ने छह, उस रीजन के सोशलिस्ट स्टेट्स ने मिलकर क्या बनाया सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया क्लियर है एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, सर्बिया सर्बिया में यू कैन सी कि ये दो रीज़न्स हैं, एक है वाइवोडीना एंडो ये वाइवोडीना कुसोवो जो है वो एक ऑटोनोमस प्रोविंस है इसका क्लियर है इसलिए आप यहाँ पे इसका बॉर्डर लाइन भी देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये छे ये छे स्टेट ने मिलकर मसली अग्री करके क्या बनाया सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया और ये कब बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ठीक है तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो ये रीजन मिलके बना एस एफ आर यूगोस्लाविया इस रीजन में एक प्रेसिडेंट होंगे बट ऑब्वियस बात है वो कौन थे जोसेफ टीटो बट आफ्टर द डेथ ऑफ द जोसेफ टीटो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट आए उनका नाम था मिलोसविक मिलोसविक फाइन तो ये जो मिलासफिक थे आप यहाँ पे फिर से मैप को देख सकते हो यहाँ पे जो सर्बिया रीजन है वो सबसे बड़ा है सर्बिया का आप देख सकते हो टेरिटरी जो है वो सबसे बड़ी टेरिटरी है ठीक है तो इस ये जो प्रेसिडेंट बने थे इस रीजन के तो वो सर्बिया के ही थे सर भी थे एस सी आर बी सर एथनिक ग्रुप है वहां पे सर भी थे और उनका नाम क्या था मिलोसविक ठीक है अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब कुछ साल तक चलता रहता है ऐसा मामला जब यहां पे प्रेसिडेंट टीटो थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द टीटो क्या होता है कि युगोसलाविया ये जो एस सी एफ आर युगोसलाविया उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी बहुत सफर्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन का कंडीशन आ जाता है ऐसे केस में एथनिक नेशनलिज्म क्यों क्योंकि ये सारे जो भी युग के पार्ट्स हैं वो सब तो अलग अलग स्टेट ही थे तो उनको ये फील होता है कि जो वेस्टर्न एरिया है जो वेस्टर्न ए जैसे स्लोवीनिया क्रोशिया ये लोग बहुत तरक्की कर रहे थे कंपेरेटिवली टू इट्स ईस्टर्न वाला जैसे सर्बिया या फिर मेसिडोनिया uh, ये इन लोगों का इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि हम एक साथ क्यों चले जब हम इनके इकोनॉमिकल वीकनेस को का हार हम क्यों से है? हम आज़ाद हो जाते हैं तो इसी वजह से समझो कि सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक का रिपब्लिक ऑफ़ यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन होता है इसमें वॉर्स होते हैं और ये वॉर्स ये वॉर्स में एक वॉर है बोस्निया हर्जी का जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में आया जो कि बहुत हाई स्केल पे जिसमें वॉर क्राइम्स होते हैं ठीक है तो योगोस्लाविया वॉर हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है डिफरेंट फेजेज में होता है पहले फेज में क्या होता है यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो पहले फेज़ में ये जो ऊपर ब्लू कलर का है स्लोवीनिया क्रोएशिया अलग हो जाते हैं थोड़ा सा टेन डेज का वॉर होता है किसके बीच में होता है जाहिर सी बात है सर्बिया जो है सर्बिया के प्रसिडेंट थे कौन थे उस वक्त मिलासिविच मिलासिफिक मिलासिफिक नहीं चाहेंगे कि जो इस रीजन का सबसे अमीर स्टेट्स हैं वो अलग हो क्यों क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था तो स्लोवेनिया और क्रेशिया को ऑल दो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेकिन थोड़ा सा वॉर करना पड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस के लिए अपना वॉर हुआ लेकिन ये आज़ाद हो गया देन नेक्स्ट ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का है ऑरेंज कलर का देखो यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर का मेसिडोनिया ठीक है ये मेसीडोनिया जो था यहाँ पे वो बहुत आज शांति के साथ पीसफुली अलग हो गया बट ये जो वॉर क्राइम्स या जिसकी वजह से आई इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई सी टी वाई दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ऑफ यूगोस्लाविया ये 1993 में बना था ये क्यों बना था अभी हम यही डिस्कस करेंगे यानी फेज थ्री में फेज थ्री में क्या हुआ था बॉस्नियंस स्टार्टेड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किससे बॉस्निया का वॉर हो गया इंडिपेंडेंस से ऑब्वियस बात है सर्बिया से अब ये भी कहता है कि नहीं मुझे भी आज़ाद कर दो मैं भी सर जैसे स्लोवेनिया क्रोएशिया मेसीडोनिया अलग हो गया तो मैं भी अब सर्बिया से अलग होना चाहता हूँ लेकिन ये जो रीजन है बॉस्निया हर्जिगोवीना का इसमें तीन तरह के इतनी सिटी पाई जाती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो बॉस्निया जब वॉर वन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड बाई द बॉस्नियंस तो वो हम क्या देखते हैं कि इट वॉज़ द मोस्ट ब्रूटल वॉर मोस्ट bloodshed happened in इन बोस्नियन and एंड scale स्केल एथनिक and एंड जेनोसाइड टुक प्लेस इन दिस रीजन कौन सा रीजन बोस्निया एंड हर्जी में लार्ज स्केल जेनोसाइड एंड एथेनिक क्लेंजिंग टुक इन दिस रीजन अब ऐसा क्यों हुआ देखो बोस्नियन वॉर जो कि लगभग लगभग 1992 से 95 फाइव तक चला था ये जो रीजन है ये जो रीजन है इसमें तीन तरह की एथनी तीन तरह कि लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं ये तीन कौन थे देखो बॉस्नियन मुस्लिम थे बॉस्नियक मुस्लिम ऑलमोस्ट फिफ्टी वन परसेंट सर्ब्स कितने थे थर्टी वन परसेंट और क्रोट्स 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 कितने थे सेवनटीन परसेंट ठीक है तो अब यहाँ देखो क्या होता है ये जो बोस्निया हर्जी थे इसमें तीन तरह के एथनीसिटी के लोग पाए जा रहे थे कौन कौन बॉस्नियक मुस्लिम्स वो जो चाहते थे अलग हो जाए क्रोट्स सी आर ओ ए टी एस देखो क्रोट्स ये भी चाहते थे कि हम अलग हो जाए लेकिन यहाँ जो सर्ब्स हैं ये जो सर्ब्स हैं वो कभी भी ये जो पिंक रीजन वाला सर्ब है क्योंकि इन दोनों की इतनी सिटी एक है तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो सर्बिया से अलग हो क्यों क्योंकि सर्बिया में भी सर्ब्स एस सी -E आर बी एस सर्प्स की इतनी सिटी बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं चाहते थे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बोस्निया हर्जी में रह के ये सर्ब्स चाहते थे कि हम सर्बिया के साथ रहें और बोस्निया हर्जी के मुस्लिम्स एंड क्रोट्स वो चाहते थे कि हम सर्बिया से अलग हो जाएं तो बट ऑबियस बात है सर्बिया का ही प्रेसिडेंट था इस पूरे के पूरे रीजन में और उसका क्या नाम था मिलासविक यहाँ पे आपने देखा था मिलोसविक तो मिलोसविक ने चाहा के जो बॉस्नियन सर्ब्स हैं यानी जो बॉस्निया के सर्ब्स हैं वो हमेशा उनके साथ उनको वो मदद करते रहे बॉस्टिनियन सर्ब्स की किसने मदद की सर्बिया के देश ने क्यों मदद की सो so दैट कि बोस्निया हर जीवोविना अलग ही ना हो सके क्लियर है तो यहाँ पे आप हाईलाइटेड लाइन में देख सकते हो बोस्नियन सर्ब लेड बाय द रेडोबन कराडजिक ओके रेडोबन कराटिक स्टैब्लिश द सर्बियन ऑटोनोमस रीजन अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने सर ये पूरा जो रीजन था यानी एस एफ आर यानी सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ यूगोसलाविया के पूरे रीजन का प्रेसिडेंट कौन था मिलासुविक ये मैंने क्यों नाम लिखा क्योंकि अभी हम इस पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे वॉर क्राइम्स किया था और कैसे इनको सजा दी गई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ऑफ यूगोसलाविया के थ्रू ठीक है तो सर्बिया के प्रेसिडेंट का नाम था मिलासुविक और बोस्निया हर्जी में तीन तरह की इथनी पाई जाती है कौन कौन सी इतनी पाई जाती है मुस्लिम्स क्रोड्स क्रोट्स एंड सर्ब तो ये जो बॉस्नियन सर्ब थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सर्बिया से अलग हो क्यों क्योंकि इन दोनों की एथनिसिटी एक ही थी तो जो बॉस्नियन सर्ब थे बींग अ पार्ट ऑफ बॉस्निया हरजिकोवीना उन्होंने एक ऑटोनोमस रीजन बनाया और उसका लीडर कौन बना था रेडोवन कराडजिक रेडोवन कराडजिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये ये भी वॉर क्राइम में पाए गए थे और इन्हें भी सजा दी गई थी क्लियर है तो अब देखो जब ये वॉर होता है बॉस्टिन एंड हजिगोवीना का वॉर जब सर्बिया से होता है तो ये बहुत लार्ज स्केल पे वॉर हुआ जहां पे सिविलियंस सिविलियंस को भी बहुत ही ब्रुटैलिटी से खत्म किया गया था और ये जो सर्बियन थे अब आई होप कि आपको मैप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये जो सर्बियंस थे उन्होंने क्या किया देखो ये जो सर्बिया पिंक वाला रीजन है ये पूरा का पूरा सर्बिया है सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो अभी भी साथ चल रहे हैं ठीक है सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो साथ चल रहे हैं अभी तक ये अलग नहीं हुए थे हमने पढ़ा था फेज़ वन में स्लोवेनिया जो ब्लू कलर का है क्रोशिया जो येलो कलर का है वो दोनों अलग हो गया फेज़ टू में मैसीडोनिया जो ऑरेंज कलर में है वो अलग हो गया तो अभी फेज थ्री का वॉर चल रहा है यानी बॉसनिया और हर्जीगोविना का वॉर चल रहा है और अभी तक कौन साथ है सर्बिया एंड मॉन्टीनिग्रो साथ है ठीक है तो बॉस्निया हर्जीगोविना में तीन तरह के एथनीसिटी थी कौन कौन सी थी बॉस्निक मुस्लिम्स क्रोट्स और सर्बियंस सर्ब बोस्नियन सर्ब तो बोस्नियन सर्ब ने अपना एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया और जिसका हेड कौन बने थे रोडवन कार्डजेक ओके मूविंग फर्दर अब देखो क्या होता है तो ये जो ऑटोनोमस रीजन बनाया गया बॉस्निया हर्जीगो हर्जी में किसने जो बनाया था रोडोवन कराडजिक ने जो बनाया था उसको पूरा पूरा समर्थन पूरा पूरा आ, सपोर्ट किसका मिल रहा था ये सर्बिया का क्यों सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो तो साथ थे ही और वो चाहते थे कि फर्दर ये टूटे नहीं फर्दर यूगोस्लाविया टूटे नहीं यानी बॉस्या हर्जिगोवीना भी इंडिपेंडेंट स्टेट ना हो जाए तो इसलिए ये जो रोडोवन कराटिक थे उनको पूरा पूरा सपोर्ट कौन कर रहा था सर्बिया सर्बिया का रीजन पूरा पूरा इन्हें सपोर्ट कर रहा था और किस में सपोर्ट किया उसने एथनिक क्लिनजिंग में अब आप ये देखो इस स्लाइड पे एथनिक क्लिनिंग मैंने आपको थोड़ा समझाया एथनिक क्लिनिंग क्या होता है यानी कोई पर्टिकुलर एथनीसिटी को कोई एथनीसिटी से क्या मतलब है समथिंग रिलेटेड टू द कल्चर या लैंग्वेज कई बार हम उसको रिलीजन uh, से भी जोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को आप चाहते हैं कि वो वहां से उस रीजन से भाग जाए आप कैसे भाग सकता है मान लो कि जहां पे बॉस्निया मुस्लिम्स या जहां पे क्रोट्स सी आर ओ ए टी एस क्रोट्स जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये सब वहां पे बॉस्निया हरजगोविना में ये सारे के सारे पाए जाते थे एथनिक एतनि, ग्रुप्स तो जहां पे ये बॉस्निया मुस्लिम्स या क्रोट्स रहते हैं वहां बहुत ज़्यादा आप बॉम्बिंग बां, कर दो बॉम्बार्डमेंट करोगे तो क्या हो गया हमेशा वहाँ बॉम्बिंग होगी तो बट ऑबियस बात है लोग वहां से चले जाएंगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दो या फिर वहां की वाटर सप्लाई रोक दो या इलेक्ट्रिसिटी रोक दो या फिर वही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कॉन्स्टेंट बॉम्बार्टमेंट bomb, करते रहो कोई बॉम्ब गिरा दो या फिर मार्स मार मार्स स्केल पे कुछ वहां पे एस्ट्रोसिटी क्रिएट कर दो तो बट ऑबियस ही बात है कि जो वहां लोग रहेंगे वो अपने जान को अपने सामान को जान माल को बचाने के लिए वो इस जगह छोड़ देंगे तो इतनी क्लिनिंग हो जाएगी यानी से वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहां पे स्लाइड लिखा हुआ है फोर्सिंग आउट पीपल फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्लेस और होम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी क्लियर है द पर्पज इज टू एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ हिस्टोरिकल क्लेम बाई दैट पर्टिकुलर ग्रुप यानी आप यहां से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया जैसे आपने अगर वो देखा हो जर्मनी में क्या हुआ था हिटलर ने क्या किया था ज्यूज को जबरदस्ती कैंप में डाल रहा था अपने अपने घरों से सब सारे के सारे ज्यूज को निकलो और सब एक कैंप में भर्ती हो जाओ क्यों क्योंकि वो पूरा का पूरा रीजन क्लियर हो जाए उस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से और कभी भी जो लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल क्लेम यानी कभी भी वो एथनिक ग्रुप कभी क्लेम ही ना कर सके कि, कि मैं यहाँ कभी रहता भी था एक तो उसको जबरदस्ती आपने उस रीजन से निकाल दिया ऐसे सरकमस्टांसिस पैदा किया कि उस पर्टिकुलर रीजन से आपने उस एथनिक ग्रुप को निकाल दिया और फिर उसके नामो निशान हटा देना मान लो कि वहाँ पे कोई उनका रिलीजियस प्लेस था तो उसको तोड़ दिया कोई ऐसा पर्टिकुलर म्यूजियम था तो उसको तोड़ दिया यानी उसकी पहचान मिटा देना उस पर्टिकुलर ग्रुप की सो so दैट कभी भी हिस्टोरिकली वो क्लेम ही ना कर सकें कि वो रीजन में कभी थे तो क्या कर रहा था बॉस ने हर में ये जो सर्व क्या कर रहे थे एथनिक क्लींजिंग भी कर रहे थे और एथनिक क्लींजिंग का ही सबसे बुरा रूप होता है जेनोसाइड जेनोसाइड का क्या मतलब है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एथनिक क्लिजिंग इज जेनोसाइड वे इंस्टेड ऑफ पुशिंग पीपल आउट ऑफ दर एरिया दे आर सिंपली किल्ड यानी आप जबरदस्ती किसी को हटाओ नहीं उस एरिया से सिंपली उस एरिया में जाके मार दो मार्च स्केल पे लार्ज स्केल पे अब जाके गोली चला दो या बॉम्ब ही गिरा दो पहले तो आप मॉन्यूमेंट्स है हाउसेस पे गिराते थे ना पार्क पे गिराते थे अब जहां पे लोग रहे थे वहीं गिरा दो तो देखो इतने लार्ज स्केल पे जेनोसाइड हुआ था और कौन कर रहा था एक तो सर्बिया वाले कर रहे थे और बॉस्निया हर्जी में ही जो बॉस्नियन सर्ब थे वो कर रहे थे किसके अगेंस्ट कर रहे थे बोस्निया मुस्लिम्स और क्रोट्स के अगेंस्ट कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बोस्निया हर्जिगोविना भी सर्बिया और मोंटेनेग्रो से अलग हो जाए क्लियर है तो ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन आता है यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग आर्मी भेजी एंड डिक्लेयर्ड एन आर्म्स एंबार्गो यानी आम सेम बार्गो डिक्लेयर कर दिया उस रीजन को बॉस्तिया को इसका मतलब है अब बॉस्तिया में कोई भी वेपन सेल नहीं कर सकता है। अब भाई वेपन ही नहीं आएगा कोई बेचेगा ही नहीं तो वॉर ऑटोमेटिकली रुकेगा एंड यूनाइटेड नेशन ने क्या किया प्रोटेक्टेड अ विलेज श्री आ, श्री ब्रील का वॉज ओके उसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोटेक्टेड विलेज यानी अगर आपने जे, जेनेवा कन्वेंशन फोर पढ़ा था तो भी मैंने आपको एक बात कही थी कि कुछ रीजन ऐसा होता है जो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं वॉर में ऐसे एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन हम बना देते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं या फिर सेफ जोन कहते हैं और ये सेफ जोन या प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का पर्पज़ क्या होता है इसलिए क्योंकि मान लो कि जहाँ पे ये लड़ाई हो रही है जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे कोई इनोसेंट कोई सिविलियन भी हो सकता है तो उनको बच अब वो वॉर के एरिया से कैसे निकलेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया हम बना देते हैं जहाँ पे ये लोग जाके शेल्टर ले लें तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन ने एक विलेज को जिसका नाम था श्री ब्रीनिका समथिंग लाइक दैर ओनली तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एरिया उसको यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे कोई मम्बार्टमेंट नहीं करेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट लोग शेल्टर लेने आए हैं लेकिन ये जो सर्बियंस हैं और जो बोस्निया सर्ब थे इन्होंने क्या कहा कि नहीं यहाँ पर इस प्रोटेक्टेड एरिया में इस प्रोटेक्टेड विलेज में ये जो आपने सेफ जोन बनाया है वहाँ पर गए ये लोग और इन्होंने बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया इन्होंने बाकायदा किलिंग्स की लार्ज स्केल पे बहुत लार्ज स्केल पे इन्होंने किलिंग्स की उस एरिया में जाके उस यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था जहां पे प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है कि वहां पे कोई गोलीबारी नहीं होगी कोई बंबार्टमेंट नहीं होगा कोई फायरिंग नहीं होगी उस रीजन में भी जाकर ये जो सर्ब्स पे उन्होंने जाके लार्ज स्केल किया और ये वीडियो ये वीडियो कब आया था ये वीडियो आया था बाद में पता चला कि इतना लार्ज स्केल पर ह्यूमन किलिंग हुई है लार्ज स्केल पर जेनोसाइड हुआ है ये बाद में एक वीडियो से पता चला था उस वक्त तो छुपाने की कोशिश की गई बोस्न सर्व्स ने लेकिन बाद में ये सब वीडियो से क्लियर हुआ था कैसा कभी कुछ हुआ था और ये कहा जाता है कि पर्टिकुलरली जो 12 से 65 12 से 65 एज के मेल थे उनको ज्यादा निशाना बनाया गया था इन सब को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉरमर यूगोस्लाविया अब फॉरमर यूगोस्लाविया क्यों क्यों क्योंकि क्यों अब इसके तो सब जितने स्टेट्स थे सब अलग ही हो गए आपको मैं फिर से प्रीवियस मैप दिखाती हूँ पहले स्लोवेनिया क्रोएशिया बॉस्नी हर्जीगोवीना मॉन्टीनिग्रो मेसिडोनिया सर्बिया इन सब ने मिलाकर क्या बनाया था सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया फेज़ वन में स्लोवेनिया क्रोएशिया अलग फेज टू में मैसीडोनिया अलग फेज थ्री में जो कि सबसे ब्रूटल था बॉस्निया और हर्जीगोवीना अलग हो गए अब क्या बच गया था सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो सर्बिया मॉन्टीनिगरो बहुत वक्त तक साथ चले लेकिन फिर बाद में 2006 में मॉन्टीनिग्रो भी अलग हो गया तो अब सिर्फ सर्बिया रह गया अब जब सर्बिया खेले ही रह गया तो अब युगोसलाविया ऐसा अब ख़त्म ही हो गया तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि ये जो फॉर्मर यूगोसलाविया था उसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठाया और इस ट्रिब्यूनल कहाँ था हेग में था और क्या डील करता था वो वॉर क्राइम्स को डील कर रहा था यानी कितने लार्ज स्केल पे अट्रॉसिटीज की गई है कौन कौन से दोषी पाए गए इन सब अपॉर्चुनिटी टू वॉइस द हॉरर विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंसड एंड प्रोवाइडेड दो सस्पेक्टेड ऑफ बियरिंग द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अट्रॉसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग आन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कॉल टू अकाउंट इसलिए ये आई सी टी बनाया गया और जो कि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यानी यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से वॉर क्राइम्स में जो दोषी थे उनको पनिश किया ये आई ने एक अच्छा काम किया और थोड़े से केस लॉज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जैसे रेडोवेंड कराडजिक कराडजिक वही थे जिसने बोस्यन सर्ब को मिलाकर एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट किया था कहाँ किया था बॉस्नियन हर्जी में किया था तो उनको दोषी पाया गया वॉर क्राइम्स जेनोसाइड का और 2016 में उनको सजा दी गई 40 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है Milos, ये राइट uh, साइड right आप देख सकते हो उनकी इमेजेस भी ये दूसरे नंबर के मेलासोविक ये कौन थे ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे किसके प्रेसिडेंट थे सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोसिला के अगर ये पूरे उस रीजन के प्रेसिडेंट थे तो अगर ये कोशिश करते हैं तो ऐसा डिसइंटीग्रेशन नहीं होता यूगोसिला का और अगर हो भी रहा था तो थोड़ा पीसफुली ही हो जाता तो इसलिए ये भी जिम्मेदार थे लेकिन इनका ट्रायल चल रहा था पर टू में ही वॉज अंडर ट्रायल और इनको हार्ट अटैक से इनकी मौत हो जाती है तीसरा तीसरा इमेज आप देख सकते हैं इनका नाम है ही फॉर द फर्स्ट आई मीन इट द फर्स्ट इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रायल इन्वॉल्विंग चार्जेस ऑफ सेक्शुअल जेनोसाइड इथनिक लेंजिंग के अलावा भी लार्ज स्केल पे सेक्शुअल वायलेंस होता है तो ही वॉज आई मीन दिस रिगार्डिंग डुस्को ट्रे ये जो केस था वो सबसे पहला वॉर क्राइम था विच वॉज रिलेटेड टू द चार्जेज ऑफ सेक्शुअल वॉयेंस और टू थाउजेंड में इनको बीस साल का इम्प्रिजनमेंट मिला फोर्थ नंबर पे आई हैव टेकन द नेम ऑफ क्रिस्टिक लेकिन आई वॉज हैविंग अ लिमिटेड स्पेस सो आई नॉट एड हिज इमेज इनको रेप और इथनिक क्लिनिंग के लिए दोषी माना गया और इनको थर्टी फाइव ईयर्स के लिए इम्प्रजनमेंट दिया गया अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ आई यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ऑफ योगो सिला ये ट्रिब्यूनल क्यों बना और क्या कंडीशनस हुए थे अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई टोल्ड यू के इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट वो है वो वैसा आर्म कॉन्फ्लिक्ट जहाँ दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये देश आपस में लड़ाई करते उनको हम आई के की लैंग्वेज में क्या कहते हैं हाई कंट्रैक्टिंग पार्टीज तो आई हैव आल्सो डिस्कस सर्टेन आई हैव आल्सो टेकन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसे नाउ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में भी वॉर हुआ था नाइनटीन के अराउंड क्यों क्योंकि ये जो पूरा कोरियन रीजन है उसमें कभी ये क्लेम करते हैं नॉर्थ वाले कभी साउथ वाले क्लेम करते हैं कि नहीं हम पूरे इस रीजन को एक एक एंटिटी बना दें यानी एक स्टेट बनाते हैं और कई बार इनके बॉर्डर को भी लेके झगड़ा होता है ईरान इराक वॉर अगेन इनके तो पूरे रीजन का मेन मुद्दा इनकी लड़ाई का क्या होता है ऑयल पेट्रोल वो जो आपको पता ही है इसराइल सीरिया इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह है इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह है अगेन टेरिटरी को लेके इनको हमेशा डिस्प्यूट रहता है अच्छा अभी रिसेंट एग्जाम्पल अभी आप ये पहले का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन अज़ेरबाईजान और अर्मेनिया अर्मेनिया में भी अभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी पिछले साल ही हुआ है नवंबर uh, में ही अराउंड इसका कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है दैट्स वाई हैव मैंशन यर अगेन इनके एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या थी टेरिटरी टेरिटरी जैसे नागोरनो एंड कराबक समथिंग ये जो है वो अजेरबाईजान की ही टेरीट्री थी जिसमें आर्मेनिया कोशिश कर रहा था कि हम ये टेरिटरी अपने पास ले लें क्यों क्योंकि यहाँ पे uh, जो एरिया है नागोरनो और करबक ये इन एरियाज़ में आर्मेनियन एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते थे इंडिया चाइना वॉर यू ऑल नो 1962 में हुआ था अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1965, 1971, नाइनटीन सेवनटी अक्सर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू लेकिन ये जो 1971 का था ये आ, पाकिस्तान में इंडिया ने ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पर इंटरफेयर किया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द atrocities which East Pakistanis was going through baad बाद में you यू ऑल नो दैट East Pakistan बांग्लादेश में converted. Apart from that अगर मैं ये इसमें मैंने मैंशन नहीं किया है लेकिन अगर मैं protocol वन of 1977 सेवेंटी सेवन की बात को इंक्लूड करूँ यानि अगेंस्ट द कोलोनियल डोमिनेशन हम आर्म कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो वो भी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आई कैन राइट दैट इन 1947 फोर्टी सेवन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्राम द ब्रिटिशर्स तो वो भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अच्छा सबसे अच्छी एक एग्जाम्पल ये भी होगा अगर हम आई एच एल पढ़ रहे हैं तो वॉर ऑफ सल्फीनो यू कैन वॉर ऑफ वॉर ऑफ सल्फरिनो क्या था ये फ्रेंच आर्मीज और ऑस्ट्रेलियंस uh, के बीच में झगड़ा हुआ था बैटल ऑफ सल्फीनो आपको पता है उसकी वजह से हैंट uh, ने जिनेवा कन्वेंशन लिखाया तो यू कैन एड ऑन वॉर्स एज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट This is all about the international armed conflict. I hope you like it. Thank you for watching.